डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तारीख है 4 नवंबर 2019 और अगर अभी तक आपने हमारे जो चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस उनको सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने बेल आइकन के ऊपर क्लिक नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ ये हमारी वेबसाइट्स हैं ssccgilpinnacle.com और baljitdhaka.com, इनको भी आप विजिट करें। करंट अफेयर्स का ये जो वीडियो है मैं रोज सुबह 4 बजे आपके लिए हमारे चैनल्स पर अपलोड कर देती हूँ। प्रीवियस क्विज की मैं हमेशा 2 क्वेश्चंस आपके लिए लेती हूँ, वही यहाँ पर ले रही हूँ। पूछा गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के सदस्यों के रूप में किन 2 शहरों को नामित किया गया है। आंसर है यहाँ पर मुंबई और हैदराबाद। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि चिली द्वारा COP25 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन रद्द करने के बाद कौन सा देश है जो इसकी मेजबानी करेगा, तो इसकी मेजबानी स्पेन द्वारा की जाएगी। ये हमारे प्रीवियस क्विज के दोनों क्वेश्चंस हैं। आज का पहला प्रश्न लें, दिव्यांग कलाकारों के लिए भारत का पहला कला प्रदर्शन किस शहर में आयोजित किया गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम, आत्म केंद्रित मानसिकता मंदता और डिक्लेक्सिया से पीड़ित कलाकारों के लिए भारत का जो पहला भारत की पहली कला प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। हार्ट आर्ट इन द हार्ट, ओके, नाम क्या है, आर्ट इन द हार्ट, ऐसे कलाकारों के लिए एक ये अनूठा राष्ट्रव्यापी मंच है और ये प्रदर्शनी जो है ये 14 नवंबर तक STIR गैलरी छतरपुर फार्म में जारी रहेगी। दिव्यांग कलाकार जो है वो इस कार्यक्रम में अपने ड्राइंग, पेंटिंग, डूडल, नृत्य, संगीत आदि क्षेत्रों में जो उनकी कला है उसको वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा जो है वो है बी, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखो, भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ये दूसरा प्रश्न है और आंसर है यहाँ पर इसाबेल हुपर्ट, ये इनका नाम है इसाबेल हुपर्ट। भारत का जो 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ये 20 से 28 नवंबर, तारीख क्या है, 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर, इन 2 तारीखों के बीच में इसे गोवा में आयोजित किया जाएगा। भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अभिनेता रजनीकांत को एक विशेष आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित करेगा और फ्रांसिसी इसाबेल हुपर्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इनकी तस्वीर है, ओके, और अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में जो महोत्सव है इसमें 50 महिला फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। रूस जो है वो इस साल का भागीदार देश होगा। सो कौन सा कंट्री है, कंट्री का नाम जो है हमारा वो है रशिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पूजा गहलोत ये कौन से खेल से संबंधित हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। पूजा गहलोत जो है रेसलर है, ये पहलवान है और आंसर हमारा जो है सीसी से संबंधित है, पूजा गहलोत। मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए ये इनकी तस्वीर है, भारतीय रेसलर है पूजा गहलोत और इन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में जो अंडर 23 यानी कि 23 वर्ष से कम अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में जो 53 किलोग्राम वर्ग है उसमें शुक्रवार को इन्होंने सिल्वर मेडल रजत पदक जीता है। पूजा फाइनल्स में जापान के हारूनो ओकुनो के खिलाफ मैच जीत नहीं पाई। इससे पहले भारत की रितु फोगाट ने पोलैंड में 2017 में रजत पदक जीता था। ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में और जमुना बोरो, इनके बारे में भी मैंने आपको हाल ही में बताया था, वो कौन है, जमुना बोरो कौन से खेल से संबंधित है, वो एक जानी मानी बॉक्सर है, वो बॉक्सिंग से संबंधित है। कौन सा राज्य पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करेगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और ऐसा करेगा पश्चिम बंगाल, क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हमारा यहाँ पर सी होगा, पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल सरकार है वो पत्रकारों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प, ओके, वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जल्दी एक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये घोषणा पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए
दंड मुक्ति समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर की है, जो इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, उस पर उन्होंने कहा है, यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त दिन है और इस दिन को पत्रकारों और मीडिया कर्मियों के खिलाफ जो हिंसक अपराध होते हैं उसके लिए कम वैश्विक आक्षेप दर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पश्चिम बंगाल। मैप में आपको दिखाती हूँ, ये जो राज्य है हमारा ये पश्चिम बंगाल है। भारतीय राज्यों में वेस्ट बंगाल जो है ये सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है ये बांग्लादेश के साथ। कैपिटल कोलकाता है, गवर्नर जगदीप धनकर हैं, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है और कंसाबाती बांध यहाँ पर कंसाबाती रिवर पर लोकेटेड है। सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर आती है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल ही वो राज्य है जहां पर कन्याश्री विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इसरो ने किस संस्थान के साथ संयुक्त रूप से स्पेस टेक्नोलॉजी सेल स्थापित करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ऐसा किया है IIT दिल्ली ने। आंसर IIT दिल्ली, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर जो है वो बी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 50वें दीक्षांत समारोह में इसरो ने संस्थान के परिसर में संयुक्त रूप से स्पेस टेक्नोलॉजी सेल स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सेल वशिष्ठ यहां पर डिलीवरेबल्स के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी डोमेन में केंद्रित अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने के लिए काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, और यहां पर मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्पष्ट रूप से पीछे लिखा हुआ है और इन्होंने MOU पर हस्ताक्षर किए। अगले प्रश्न पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से मुख्यमंत्री अपने राज्य में 5 साल को पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आंसर यहां पर होगा रघुबर दास, आंसर जो है यहां बी है। झारखंड विधानसभा चुनाव 5 चरणों में होंगे जो कि 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में होंगे और मतों की गिनती जो है वो 23 दिसंबर को होगी। पहले तो आपको डेट्स बता देती हूं मैं, 30 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में और 23 दिसंबर जो है उस दिन जो है गिनती होगी। ओके, 81 सदस्य विधानसभा के चुनाव के पहले चरण में 13 निर्वाचन क्षेत्र जाएंगे, जिस दूसरे चरण में 20, तीसरे में 17, चौथे में 15 और पांचवें चरण में 16 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा। अब मैं आपको रघुबर दास जी की तस्वीर दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये है रघुबर दास। और रघुबर दास जी जो हैं वो पहले राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राज्य में 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा किया है। और अब झारखंड कहां पर है, झारखंड ये देखिए, सन 2000 में बिहार से अलग होकर ये राज्य बनाया गया था झारखंड। राजधानी यहां पर रांची है, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, चीफ मिनिस्टर रघुबर दास है, लेजिस्लेचर यूनी कैमरल 81 सीटों वाला, लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 6। पंचेत बांध, तेनुघाट बांध और कोनार बांध ये सारे के सारे जो हैं ये लोकेटेड है झारखंड में। अभी हाल ही में हरियाणा में नए चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं, आप उन दोनों के नाम जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगला प्रश्न, प्रश्न 7 पर हम यहाँ आ गए हैं और ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व, ओके, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में गोटी पोरोलू में एक व्यापार केंद्र का पता लगाया है, आप बताइए कि ये कौन से राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ओके, यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने एक ट्रेड सेंटर का पता लगाया है, कहां पर, गोटी पोरोलू में, आप बताएं कि कहां पर लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर यहां पर हमारा होगा आंध्र प्रदेश, आंसर जो है यहां पर सी, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में वहां पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक व्यापार केंद्र खोजा गया है। टीम को साइट पर 2000 वर्षीय ईंट की संरचना और एक विष्णु की मूर्ति मिली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तस्वीर है। आंध्र प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम द्वारा खुदाई के प्रथम चरण में एक विशाल ईंट के बाड़े से घिरे एक विशाल बस्ती के अवशेषों की खोज की गई है। तो ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। बात हुई आंध्र प्रदेश की,
ये देखिए, ये जो राज्य है ये आंध्र प्रदेश है. ओके, कैपिटल अमरावती है, चीफ मिनिस्टर YSR जगन मोहन रेड्डी है, गवर्नर है बिश्वा भूषण हरिचंद्रन. यहाँ पर नेशनल पार्क्स की बात की जाए तो पापीकोंडा, श्री सेलम टाइगर रिजर्व, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी, और यहाँ पर कृष्णा नदी, पेन नदी, गोदावरी नदी इस राज्य में लोकेटेड है. अगले प्रश्न पर, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यवसायिक, जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आपकी बीमारियां हैं, व्यवसायिक रोगों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और आंसर इसका हमारा होगा जर्मनी. ये हस्ताक्षर किए गए हैं जर्मनी के साथ, आंसर डी है. जर्मनी की जो चांसलर है, आपको उनकी तस्वीर दिखाती हूँ, एंजेला मर्केल. इनकी 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी ने आयुर्वेद, योग, समुद्री प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक रोगों सहित 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं. दोनों राष्ट्रों ने 5 संयुक्त घोषणाओं का भी आदान प्रदान किया, जिसमें रणनीतिक परियोजनाओं पर सहयोग, हरित शहरी गतिशीलता के लिए साझेदारी, AI का विकास और समुद्री कूड़े को रोकने के लिए सहयोग शामिल है. यहां पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ. व्हाट्सएप ने हाल ही में किस स्पाइवेयर के खिलाफ सेंध लगाने का मुकदमा दर्ज किया है? क्वेश्चन नंबर 9 है. और आंसर यहां पर हमारा क्या है? आंसर है यहां पर पेगासस. पेगासस ये हमारा राइट आंसर है, बी. व्हाट्सएप ने अमरीकी संघीय अदालत में आरोप लगाया है कि इजरायली NSO समूह ने पेगासस स्पाइवेयर से करीब 1400 व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाया. इस तकनीक का विकास इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी, वहां पर जो है NSO ने किया है. भारत में आम चुनाव के दौरान पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर निगरानी के लिए इजराइल ने स्पाइवेयर पेगासस का उपयोग किया गया. तो ये थी जानकारी क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, और ये यहां पर आप तस्वीर देख सकते हैं. और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर. सरकार ने किस साल तक 100 अतिरिक्त हवाई अड्डे खोलने की योजना बनाई है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है. आंसर है यहां पर 2024 तक, आंसर सी होगा. भारत सरकार 2024 तक 100 अतिरिक्त हवाई अड्डे खोलने की योजना बना रही है. सरकार ने अगले 5 वर्षों में हवाई अड्डों के निर्माण के लिए 1 ट्रिलियन रुपए का आवंटन किया है. नए एयरपोर्ट्स शुरू करने के साथ साथ हर साल 600 पायलटों को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित करने का भी प्रस्ताव पेश किया गया है. इसके अलावा 5 सालों में विमान बेड़ों की संख्या दुगनी कर 1200 तक पहुंचने पर भी बात की गई है. तो ये थी जानकारी प्रश्न 10 के बारे में, और यहां पर मैं आपको इससे संबंधित तस्वीर दिखा रही हूँ. ये देखिए, यहां पर क्लियरली लिखा है प्लान्स टू ओपन 100 एयरपोर्ट्स इन इंडिया इन 5 ईयर्स. तो ये थी जानकारी आज के सभी प्रश्नों के बारे में. समरी कीवर्ड्स पर हम आ जाते हैं. यहाँ देखिए, भारत का इंडिया फर्स्ट एवर आर्ट एक्सपोजिशन फॉर दिव्यांग आर्टिस्ट, जो दिव्यांग कलाकार हैं उनके लिए भारत का पहला कला प्रदर्शन जो है ये किया जाएगा नई दिल्ली में. लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह है उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा इसाबेल हापरट को. पूजा गहलोत जो है ये रेसलिंग से संबंधित है. सोशल सिक्योरिटी स्कीम जर्नलिस्ट, ये आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल जो है, वो पत्रकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है उसको लागू करेगा. उसके बाद इसरो, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसरो जो है IIT दिल्ली के साथ संयुक्त रूप से स्पेस टेक्नोलॉजी सेल स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होंगे. और पहला चीफ मिनिस्टर जिन्होंने 5 साल पूरे किए हैं अपने राज्य के, झारखंड के चीफ मिनिस्टर, झारखंड के वो पहले चीफ मिनिस्टर जिन्होंने 5 साल पूरे किए वो है रघुबर दास. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में गोटी प्रोलू में एक व्यापार केंद्र का पता लगाया है जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है. भारत और जर्मनी के बीच ऑक्यूपेशनल डिजीजेस से संबंधित MOU पर हस्ताक्षर किए गए. आगे यहां पर दिया गया है, भारत ने जर्मनी के साथ व्यावसायिक रोगों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. और भारत में 100 एडिशनल एयरपोर्ट्स बनाने की योजना है साल 2024 तक. ये थे हमारे समरी कीवर्ड्स. आ जाइए क्विज फॉर द डे पर.
भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, एक तो आप मुझे ये बताइए, साथ ही यहाँ पर देखिए जो अगला जो प्रश्न है वो खेलों से संबंधित है। ओके, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पूजा गहलोत जो है वो कौन से खेल से संबंधित है, इनका भी नाम जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ओके, और आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसका नया सदस्य बन गया है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इनके आंसर्स जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो के लाइक बटन पर क्लिक करें, साथ ही साथ जितना संभव हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।